भाई और बहन, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। उनकी माताजी भी वहां गई प्रचार करने के लिए और रायबरेली में जाके कहा कि वो अपना बेटा उनको सौंप रहे हैं। संसद की सीट इन्हें अपनी खानदानी जायदाद लगती है और वो सबको कहते घूम रहे हैं ये मेरी मम्मी की सीट है। आपने न्यूज में देखा होगा कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं और वो सबको कहते घूम रहे हैं ये मेरी मम्मी की सीट है। अरे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है ना तो भी ये नहीं कहता है कि मेरे पप्पा की स्कूल है, भले वो पप्पा वहां पढ़े हो, ये कहते मेरी मम्मी की सीट है। 8 साल का बच्चा भी ऐसा नहीं बोलता है जी। उनकी माताजी भी वहां गई प्रचार करने के लिए और रायबरेली में जाके कहा कि वो अपना बेटा उनको सौंप रहे हैं। रायबरेली में उनको 50-50 साल से इस परिवार की सेवा करने वाला एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला जिनको वो रायबरेली में पसंद करना चाहते हो। ये प्रॉपर्टी का भाव। और भाइयों बहनों, रायबरेली वाले पूछते हैं कि बेटे को रायबरेली देने आई हो, लेकिन रायबरेली में जब कोविड के कारण लोग परेशान थे, क्या आपको एक बार रायबरेली आने का मौका नहीं मिला? क्या आपने रायबरेली में आकर के कोविड के समय भी क्या एक बार भी पूछा है कि आपका हाल क्या है? और आज कह रही हो कि आप अपने बेटे को रायबरेली सुपुर्द कर दो। आप कल्पना करिए, हमारे लोकतंत्र का मंदिर, हमारी सांसद, ये परिवारवादी लोग संसदीय सीटों का वसीयतनामा लिख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जो आपकी विरासत पर टैक्स लगाने की बात करते हैं। यानी जीवन भर कमाएंगे आप, लेकिन आपकी कमाई आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, उसे हड़पेगी कांग्रेस। लेकिन संसद की सीट इन्हें अपनी खानदानी जायदाद लगती है। खुद रिटायर हो रहे हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलेगा, सीट बेटे को मिलेगी।